इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत को गिराकर भाजपा इख्तदार पजीर हुई। नाकाम होते हुए भी किस तरह कामयाबी का ढिंडोरा पीटने का हुनर सिर्फ भाजपा को ही हासिल है। नोटबंदी जीएसटी से हाल ही में नाकाम हुआ चंद्रयान को भी कामयाब मुहिम कहने से ना तो मोदी थकते हैं और ना ही मोदी भक्त थकते हैं। अब चालान का दौर जारी है। हर शहर में एक हंगामा सा बरपा हुआ है। जुर्माना, गाड़ी की कीमत का भरना पड़ रहा है तो कई जगह पर गाड़ी की कीमत से भी ज्यादा चालान भरने पर अपनी ही गाड़ियों में आग लगाने की वारदातों को देखा जा रहा है। किसी न किसी तरह आवाम को उलझा कर रखना यह मोदी सरकार का काम बन गया, ऐसा विपक्ष का कहना है। विपक्ष का यह भी कहना है कि मोदी सरकार ना सिर्फ मीडिया को धमका रही है बल्कि जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है या अपनी राय को जाहिर करना चाहता है उस पर मुकदमे दायर कर जेल भेजने का भी इंतजाम किया जाता है। यहाँ तक के राज ठाकरे को भी नहीं बख्शा गया। आखिर राज ठाकरे ने भी ईडी तहकीक को अपनी सफाई पेश करनी पड़ी। यूपीए में वजीर दाखिला रह चुके पी चिदम्बरम को अब तक जेल में रखा गया है। देश में एक तरह की इमरजेंसी भाजपा की जानिब से लागू करने की बात कही जा रही है। अब तो साफ होता नजर आ रहा है कि भाजपा इंतकाम की सियासत खेल रही है और इसी की एक और कड़ी कह सकते हैं कि कर्नाटक के और कांग्रेस के ट्रबल शूटर डी के शिवकुमार की गिरफ्तारी। ट्रबल शूटर अब खुद ट्रबल में फंस चुके हैं। महज इंतकामी जज्बे से मुतासिर यह कार्रवाई करने की बात कांग्रेस कह रही है। सियासी दानिश्वरों का भी यही कहना है कि भाजपा हुकूमत चलाने में नाकाम हो चुकी है, लिहाजा इस तरह का पैंतरा इस्तेमाल कर के तानाशाही हुकूमत को नाफिज करना चाहती है और यही तानाशाही कश्मीर में भी देखी जा सकती है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। डीके शिवकुमार की गिरफ्तारी ने कर्नाटक की सियासत में भूचाल आया हुआ है। पूरे रियासत में गिरफ्तारी को लेकर बंद का ऐलान किया गया तो कई जिलों में सरकारी मालमत्ता को नुकसान पहुंचाया गया। मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। सियासी दानिश्वरों का कहना है कि मोदी हुकूमत फिजूल कामों में अपना वक्त सर्फ कर रही है। देश को विकास की तरफ ले जाने के बजाय विनाश की तरफ तो ले ही जा रही है। साथ में कांग्रेस मुक्त का नारा देकर डी के शिवकुमार को गिरफ्तार करना यह साफ नजर आता है कि यह सरकार मनमानी कारोबार कर रही है। अभी साफ नजर आ रहा है कि कहीं तो देश की ईडी, सीबीआई, एसआईटी, आईबी जैसे सरकारी मोहकमा भी भाजपा संघ के हाथों का खिलौना बनता जा रहा है। डीके शिवकुमार की गिरफ्तारी बहुत कुछ बयां करती है। डीके ने बचने की बहुत कोशिश की, त्योहार के मद्देनजर एक दिन की रियायत भी मांगी थी लेकिन ईडी ने रियायत को खारिज किया। कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु संघवी जैसे कानूनी माहिरीन खड़े रहे पर कुछ हासिल नहीं हुआ क्योंकि भाजपा इंतकाम का सियासी खेल खेलना चाहती है किसी कीमत पर। वाज़ह रहे कि यही वो डीके शिवकुमार है जिन्होंने असेंबली इंतखाबात में पटेल को जिताया था। यह भी अहम है, पटेल के विरोध में अमित शाह थे और अब इख्तदार में मोदी और शाह के पास है। डीके ने गुजरात के कांग्रेस एमएलए को कर्नाटक में रखा था। सिर्फ कर्नाटक के ही नहीं बल्कि कुल हिंद कांग्रेस के डीके शिवकुमार रीढ़ की हड्डी का काम अंजाम देते हैं। उनकी ये खासियत यह भी है कि बड़े आसानी से मुश्किल को आसान बना देते हैं। लिहाजा भाजपा हर हाल में कांग्रेस की दुखती रग को दबाना चाहती थी जो उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग और बेहिसाब दौलत के बहाने गिरफ्तार किया। इन्हें दुश्मनी किसी तरह निकालनी थी जो भाजपा ने निकाल ही ली। लेकिन यह भी सच्चाई है कि डीके आसानी से हार मानने वाला शख्स नहीं है। इस हार को कामयाबी में तब्दील करने की सलाहियत डीके शिवकुमार में है। कर्नाटक में और तकरीबन रियासतों में मोदी विरोधी माहौल फिर से बनता नजर आ रहा है। अगर मोदी शाह विरोधी माहौल और कर्नाटक भाजपा में येडियुरप्पा मुखालिफत का फायदा कांग्रेस को हो सकता है। कहा तो यह भी जा रहा है कि जल्द कर्नाटक में इंतखाबात होंगे, लिहाजा एक और बात यह भी है कि ईवीएम भी अपनी जगह पर है। अब ईवीएम क्या फैसला लेते हैं अलग मामला है, जिससे कांग्रेस दोबारा अपनी साख बचा सकेगी। भाजपा को आवाम वोट करने की कोई खास वजह नजर नहीं आ रही, ऐसा भी कहा जा रहा है। अगर कांग्रेस जीतती है
तो यकीनन डीके शिवकुमार को वजारत हासिल होती है। बहरहाल डूबती कांग्रेस को बचाना कांग्रेस की जिम्मेदारी है, तो कांग्रेस मुक्त भारत के लिए गिरफ्तारियों के जरिए मुकम्मल सफाई की साजिश भाजपा संघ की जानिब से जारी है। देखना है कि आखिर कामयाबी किसे हासिल होती है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।